नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद ही योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, इसलिए अब योगी सरकार का बुलडोजर अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पहुंच चुका है। प्रशासन के मुताबिक ये घर अवैध है, इसे बनाते समय नक्शा पास नहीं करवाया गया था, इसलिए इसे गिराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस घर को गिराते समय कुछ ऐसी चीज़ें भी बरामद हुई हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल जफर के घर से पुलिस को एक राइफल, तलवार और अतीक के पूरे परिवार की फ़ोटो मिली है। एक फ़ोटो में अतीक ओवैसी की पार्टी के नेताओं के साथ दिख रहा है। बता दें कि इस समय जफर के घर पर PDA का बुलडोज़र चल रहा है, जहां इस समय भारी पुलिस फोर्स तैनात है। किसी को भी घर के आसपास आने की इजाज़त नहीं है। बताया जा रहा है कि जफर अहमद के घर पर उमेश पाल के हथियारे छुपे थे। यहीं पर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने इन हथियारों से मुलाकात की थी। बता दें जफर अहमद बांदा का रहने वाला है। इसके ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हैं। कुछ मुकदमों में जफर अतीक के साथ नामजद भी है। जानकार बताते हैं कि जफर का प्रॉपर्टी का काम है, फिलहाल वो फरार है। कुछ साल पहले जब अतीक के घर पर बुलडोजर चलाया गया था, तब अतीक के घर वाले जफर अहमद के इसी चकिया के घर में आकर रुके थे। बताया जा रहा है कि हत्याकांड के बाद शूटर जफर अहमद के इसी घर में आकर रुके थे। उमेश पाल की हत्या का मामला यूपी के सदन में भी गूंजा, जिसे सबने सुना। जब योगी सरकार ने अतीक अहमद को लेकर बोला था कि माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने संरक्षण दिया, ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। योगी के इस डायलॉग के बाद ही आज अतीक के करीबी के घर को जमींदोज कर दिया गया है। ऐसे में साफ है कि योगी सरकार पूरे एक्शन मोड में है। आपको बता दें, बीते दिनों प्रयागराज में सरेआम राजू पाल के गवाह उमेश पाल का अतीक अहमद के गुर्गों ने मर्डर कर दिया, जिसमें उमेश पाल के गनर की भी मौत हो गई थी। आरोप है कि अतीक ने ही ये मर्डर करवाया, क्योंकि राजू पाल का भी मर्डर अतीक ने करवाया था। इस मामले में सुनवाई चल रही थी, इस बीच ही उमेश पाल का मर्डर करवा दिया गया। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी .com।